Dear student, today we are going to discuss very important point, the derivative influence of functional group in mono substituted benzene. In the benzene there are 6 hydrogen atoms. बेंजीन में 6 हाइड्रोजन एटम रहता है, उसका कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, सो विच इज गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आर इक्वल एंड सेम रिएक्टिविटी रहता है, कोई एक हाइड्रोजन आउट ऑफ 6 रिमूव हो जाएगा. सो यहाँ 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 और यहाँ पर 6 में से कहीं पे भी एनोड आएगा वो नाइट्रो बेंजीन ही कहलाएगा. दैट इज मोनो. मोनो मीन्स वन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया. अब वन NO2 ग्रुप आ गया, देन रिमेनिंग 5 हाइड्रोजन इज नाउ नॉट आइडेंटिकल. अब ये सब का रिएक्टिविटी इसकी वजह से सेम नहीं रहेगा. सो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूटेंट उसका पॉसिबिलिटी आ रहा है, ऑर्थो में जाएगा, मेटा में और पैरा में. मोस्ट ऑफ ऑर्थो पैरा में जाएगा. इन द सम केसेस इट विल बी एंटर्स ऑन मेटा. यहाँ पे कोई एक ग्रुप अटैच हो चुका है, तो उसका नेचर के हिसाब से अपना सेकेंड वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा में जाएगा, अदरवाइज मेटा में जाएगा. इसका रीजन ये रहता है कि ये वाला ग्रुप का नेचर कौन सा है वो डायरेक्ट करेगा कि दूसरा वाला ग्रुप कहाँ पे जाएगा. यस, दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. वो डायरेक्टिव कर रहा है सेकेंड वाला ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप इज ऑलरेडी अटैच्ड, देन सेकेंड वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा में जा रहा है और मेटा में, वो डिसाइड कर रहा है. सो दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, डायरेक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं. व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन, 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर not found in equal amount. Yes, first substituent आ गया, इसके बाद क्या होगा, दूसरा ग्रुप दूसरा हाइड्रोजन ऑर्थो और पैरा में से सब्स्टिट्यूट हो रहा है और मेटा में से, बट सभी का अमाउंट सेम नहीं मिल रहा है, not found equal amount. Two type of behavior are observed. दो तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है. एक जो ग्रुप रहता है उसका नेचर, फर्स्ट ग्रुप जो एंटर हो चुका है उसका नेचर ये रहता है कि दूसरा कमिंग एंटरिंग ग्रुप ऑर्थो में एंड पैरा में एंटर करेगा, और सम ग्रुप का बिहेवियर रहता है कि वो मेटा में एंटर करवाएगा. यस, दैट इज इन्फ्लुएंस. फर्स्ट ग्रुप जो बेंजीन में अटैच हो चुका है वो डिसाइड करेगा कि दूसरा वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच करना है, ये वाला कमिंग नहीं एंटरिंग वाला नहीं, जो फर्स्ट एंटर हो चुका है वो डिसाइड करेगा कि सेकेंड ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा में जाएगा या मेटा में जाएगा. Yes, either ortho and para product. दूसरा ग्रुप यहाँ पे आ रहा है ortho, सामने आ रहा है para, alternate position में आ रहा है meta. Is predominantly formed. It has also been observed that this behavior depends on the nature of the substituent already present in the benzene ring. Yes, जो बेंजीन रिंग में पहले से ही अटैच हो चुका है वो वाला ग्रुप उसका बिहेवियर के हिसाब से सेकेंड ग्रुप एंटर होगा, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द एंटरिंग ग्रुप. जो ग्रुप आ रहा है
वो डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है। फर्स्ट जो ग्रुप अटैच हो चुका है वो डिसाइड करेगा कि कमिंग एंटरिंग ग्रुप जो सेकंड वाला आ रहा है ऑर्थो मेटा और पैरा में जाएगा। दिस इज नॉन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अंडरलाइनिंग टर्म। ये वाला इफेक्ट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कह सकते ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट्स। रीजन फॉर द ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिव नेचर ऑफ द ग्रुप्स आर बिलो। अब डिटेल में स्टडी करेंगे कौन सा वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा में इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सा ग्रुप मेटा में। विथ रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, इसका रीजन भी देखेंगे। नाउ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स, द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। बेंजीन रिंग के साथ जो फर्स्ट अटैच हो चुका ग्रुप दूसरा कमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजिशन में एंटर कर रहा है, सो दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये वाला ट्रैफिक इंस्पेक्टर जैसा वर्क करेगा, ये कमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कहाँ पे जाना है, इसका नेचर पर डिपेंड रहेगा। सो कौन सा वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा उसका लिस्ट दिया हुआ है, अब देखेंगे विद रीजन एज एन एग्जांपल। लेट अस डिस्कस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप क्या रहता है, OH बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो चुका है, ये वाला फिनोल हो गया। यस सो आवर फर्स्ट एंटर ग्रुप इज द OH, ओके ये वाला फिनोलिक हो गया बेंजीन रिंग के साथ OH। यू कैन सी ऑक्सीजन का आउट ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन टू इज यूज्ड, रिमेनिंग आर फोर। सो यहाँ पे लॉन्ग पे जो है दो आ रहा है। फिनोल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसने क्या किया, फिनोल का जो ऑक्सीजन रहता है उसका जो दो लॉन्ग पेयर में से वन लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यस सो वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, सो उसको प्लस रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, सो एडजेक्टेंट पाई बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। सो ये वाला दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, दो पाई बॉन्ड पास पास नहीं रह सकते। सो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिस कार्बन पे मूव हो गया, सो ये वाला प्लेस ऑर्थो है कि नहीं, यस ऑर्थो प्लेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, सो क्या होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, सो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, सो ये कौन सा प्लेस है, पैरा प्लेस आ रहा है। इफ ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म किया, सो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ चला गया, ये वाला ऑर्थो प्लेस हो गया। इफ टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, सो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला रिपीटेडली हैपेंस रहेगा। इट इज क्लियर, सो जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो रहा है ग्रुप उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग की ओर डोनेट कर रहा है, उसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपीटेडली ऑर्थो और पैरा प्लेस पे नॉट ऑन मेटा ऑर्थो और पैरा प्लेस पे इंक्रीज कर रहा है। सो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो
ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा प्लेस पे अटैक करेगा। सो इसके हिसाब से अपना वाला ये ओएच ग्रुप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ड्यू टू रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पैरा प्लेस में, ऑर्थो ये वाला ऑर्थो ये वाला पैरा प्लेस पे ज्यादा रहता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रेजोनेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हेंस सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस मेनली एट दिस पोजिशन। सो कमिंग सेकेंड ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा में जाएगा। सो ये वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा का मिक्सचर देगा। अंडरस्टूड? सो जो फर्स्ट अटैच हुआ ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दे रहा है, मीन्स का जो ग्रुप होता है इसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर डोनेट कर रहा है, ये वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा प्लेस में ही दूसरा ग्रुप एंटर करेगा। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एट दिस पोजीशन। हाउ इट मे बी नॉट, ये वाला नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहा है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के हिसाब से तो ज्यादा रहेगा, सो वो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। सो ये वाला माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाला है। सो OH ग्रुप का माइनस I और प्लस R रहता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस प्रीडोमिनेंट देन रेजोनेंस इफेक्ट। जब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों हो रहा है, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बट ये वाला इफेक्ट से रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट रहता है। इट मे बी नॉट एट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप ऑल्सो ऑपरेट ड्यू टू विच द डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन द बेंजीन रिंग इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। ये वाला क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, बट ये इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में ये वाला रेजोनेंस इफेक्ट प्रीडोमिनेंट रहेगा। सो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट, सो ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। बट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट दिस पोजिशन ऑफ द रिंग। इन सब ऑर्थो प्लेस में और पैरा प्लेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ रही है ड्यू टू रेजोनेंस, देख चुके हैं। देयरफॉर OH ग्रुप डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। OH ग्रुप क्या करता है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रहा है, सो जो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अटैक करेगा। सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बट अपना जो लोन पेयर होता है इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर रहा है, सो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा रहता है इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। सो ये डीएक्टिवेट कर रहा है, बट उसका डीएक्टिव नेचर से डोनेटिंग नेचर, एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एक्टिव हो रहा है, सो इजीली अटैक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, सो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, ये वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। यस बेंजीन रिंग अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीटली यहाँ पे डोनेट कर दिया, सो क्या हुआ? रिंग का इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ बढ़ गया, सो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। सो कौन सा वाला ग्रुप वी हैव टू रिमेंबर? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड OH ग्रुप रहता है, बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच रहेगा, ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, NH2 एमिनो ग्रुप आएगा, देन NHR ये वाला सेकेंडरी एमाइन आएगा,
यस देन NH COCl3 ये वाला N एसिटाइल एमाइन रहेगा, देन आफ्टर OCl3 क्या रहता है, मिथॉक्सी ग्रुप रहता है, बेंजीन रिंग के साथ OH रहेगा, NH2 रहेगा, NH के साथ R मीन्स मिथाइल इथाइल रहेगा, सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा, NH COCl3 रहेगा, देन OCH3 रहेगा, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहे, देन आफ्टर मिथाइल रहेगा, इथाइल रहेगा, ये सब ग्रुप पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, सो सेकेंड वाला ग्रुप अपना ऑर्थो और पैरा में जाएगा। इन द केस ऑफ एराइल एलाइट, एक पर्टिकुलर केस रहता है एराइल एलाइट, सपोज बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच हो चुका है लाइक फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन पे डोनेट तो करेगा, उसका प्लस आर इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर जाएगा और नेगेटिव इंडक्टिव, इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा, व्हाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन का ज्यादा रहता है कार्बन के हिसाब से, सो माइनस इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट रेजोनेंस के हिसाब से तो कम रहेगा, ये मॉडरेट थोड़ा ज्यादा कंपैरिजन में OH के हिसाब से डीएक्टिवेट हो रहा है, बट इससे ज्यादा डीएक्टिवेट होगा, इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है। इन द केस ऑफ एराइल एलाइट हैलोजन्स आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, इट मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, सो हैलोजन यहाँ पे आता है, सो जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू रेजोनेंस वो थोड़ा सा कम होगा, सो फिनॉल के कंपेरिजन में ये थोड़ा लेस रिएक्टिव रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एंटर करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में जाएगा, देन मेटा पोजीशन, बट ओवरऑल ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन के केस में भी ऑर्थो पैरा पे ही जा रहा है, ग्रेट देन मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो पैरा में जाएगा, इन द केस ऑफ हैलोजन आल्सो, सो ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही रहेगा। नाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, नाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या रहता है, द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन, जो बेंजीन रिंग के साथ फर्स्ट अटैच हो चुका ग्रुप दूसरे इनकमिंग ग्रुप को मेटा प्लेस, ये वाला हो तो ये वाला पैरा मेटा में एंटर करेगा, सो ये वाला और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। कॉल सम एग्जांपल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर नाइट्रो ग्रुप रहेगा, ये वाला नाइट्रो, ये वाला साइनो, ये वाला एल्डिहाइड, ये वाला एसाइल, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला एस्टर और सल्फोनिक एसिड, ये सभी ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ फर्स्ट अटैच हो चुके होंगे, तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूटेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो मेटा पोजीशन में ही करेगा, विच इज प्रैक्टिकली प्रूवन आल्सो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, ये सभी ग्रुप्स नॉट पॉजिटिव रेजोनेटिंग बट नेगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट दे रहा है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही इसका, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में से डिक्रीज करेगा, और ड्यू टू नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो रेजोनेंस वाला इलेक्ट्रॉन हो वो भी अपनी ओर अट्रैक्टेड करेगा, यस सर, उसमें क्या था प्लस आर और माइनस आई था, यहाँ माइनस आर और माइनस आई रहेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा,
strong. Nitro group reduce the electron density in the valence ring due to its strong negative inductive effect. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्टेड रहेगा. इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. इफ यू नाइट्रो बेंजीन क्या हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा. ये विड्रॉलर ग्रुप है. सो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी लेस हो जाएगा. सो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जो 4 इलेक्ट्रॉन था अब 6 हो जाएगा. ये वाला नेगेटिव हो जाएगा. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. यू कैन सी यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो चुका है. सो ये वाला पॉजिटिव हो गया. अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. सो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. सो ये यहाँ पे आ जाएगा. एस इट मिल जाएगा. सो ये देख सकते हैं ये वाला अपना ऑर्थो प्लेस, ये वाला पेरा और ये वाला मेटा, सॉरी ऑर्थो 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 और पेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पेरा प्लेस के हिसाब से मेटा में ज्यादा रहेगा. सो अपना इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पेरा वहां पे अटैक नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल मेटा प्लेस में ही जाएगा. सही से हिसाब से ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं. यस दिस वन आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. इन दिस केस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज. यू कैन सी जो बेंजीन का 6 पर 5 इलेक्ट्रॉन था इसमें से यहाँ चला गया, रिंग के अंदर डिक्रीज हो गया. जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर था ये वाला ग्रुप डीएक्टिवेटिंग रहेगा. मीन्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है. डिग्रीज मेकिंग फर्दर सब डिफिकल्ट. सो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा उसकी उसका बेंजीन रिंग की ओर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा. सो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करने में दिक्कत आ रहा है. सो इट अकर्स एट अ पर्टिकुलर कंडीशन. दिस ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. यस ये वाला सभी ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑन ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन इज कंपेरेटिवली लेस देन एट मेटा पोजिशन. हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजिशन रिजल्टिंग मेटा सब्स्टिट्यूशन अकर्स ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स. नाउ अंडरस्टूड. सो दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप आ रहे, ऑर्थोपेरा और मेटा. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी. यस कंपाउंड विच कॉजेस कैंसर दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेन एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिटी. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैंसर पैदा कर रहा है बॉडी में वो कार्सिनोजन कहलाएगा. दैट नेचर इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिटी. बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन टू बेंजीन रिंग्स. यस जो बेंजीन रहता है इसमें एक ही रिंग रहता है फ्यूज्ड. कई सारे बेंजीन रिंग अटैच हो जाते हैं फ्यूज्ड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो फ्यूज कह सकते हैं. टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सेड टू पजेसिस कैंसर प्रोड्यूसिंग. ये सभी कंपाउंड्स अपने बॉडी में कैंसर पैदा कर रहा है. सो कैंसर प्रोड्यूसिंग कह सकते हैं. इन शॉर्ट विच इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी. सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर
formed on complete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum. Such polynuclear hydrocarbons. So कई सारे बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. ये वाले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म कंप्लीटली कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टोबैको, कोल, कोलसा, पेट्रोलियम. दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शंस. ये सभी अपनी बॉडी में एंटर हो रहा है और बायोलॉजिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा एंड फाइनली डैमेज अवर डीएनए इन द बॉडी. डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज कर देगा एंड कॉजेस कैंसर. सो सम ट्यूमर्स अकर इन अवर बॉडी. सम ऑफ द कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो. इसमें से कार्सिनोजेंस का एग्जांपल दिया हुआ है. ये वाला 1,2 बेंजोथ्रेसिन रहेगा. ये वाला 3 मिथाइल कोलांथ्रीन रहेगा. ये वाला 1,2 बेंज पायरीन रहेगा. ये वाला 1,2,5,6 डाई बेंजोथ्रीन रहेगा. ये वाला 9,10 डाई मिथाइल बेंजोथ्रेसिन रहेगा. यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना. नाउ बाय. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय.